हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ने वाले एक अच्छा एक का चैप्टर नंबर 9। कहानी है इकाई 3 हमारा खान पान में, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आलू की सड़क नाम की एक कहानी को। ओके। एक था भालू, उसे नानी के घर दूर जाना था। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिया, पर बोरे में तो छेद था। भालू आगे बढ़ता जाता, थप 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 बोरे से आलू टपकते जाते, टप टप टप। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप धप टप धप टप ही सुना। उसने पेड़ से नीचे देखा, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे ना बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। इस कहानी में क्या हमने देखा, एक भालू था जो अपने नानी के घर जा रहा था। उसने रास्ते में खाने के लिए एक बोरा आलू ले लिया और वह आलू की बोरी फटी हुई थी। वो जा रहा था रास्ते में, उसके पैरों की आवाज़ कैसे आ रही थी, धप धप धप, और बोरे से आलू गिर रहे थे, टप टप टप। रास्ते में उसे एक बंदर मिला, जो उसने देखा कि भालू जा रहा है और उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? तो भालू ने कुछ जवाब नहीं दिया, बंदर को सिर्फ इतना सुनाई दिया, धप टप धप टप। और बंदर ने सोचा, मैं पता लगा के रहूँगा। और उसने देखा, उसने कहा, भालू चाहे ना बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतर आया। इस कहानी को किसने लिखा है, चंदन यादव जी ने। बातचीत के लिए, बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है, बोलो। उस भालू के उत्साह को देखकर कि वह चला जा रहा है, और रास्ते में उसे ये भी याद नहीं कि उसका बोरा फटा हुआ है और वह चला जा रहा है, मगन होके, क्योंकि जब लोग नानी के यहाँ जाते हैं तभी इतने ज़्यादा खुश होके जाते हैं। आप भी जाते हो ना नानी के यहाँ ऐसे खुशी से, सब कुछ भूल जाते हो। भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा। भालू इतना खुशी था कि वह भूल गया नानी के यहाँ जाने के लिए, इतना ज़्यादा खुशी था कि वह भूल ही गया कि कोई उसको बुला भी रहा है और वह चला जा रहा था। यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह क्या आवाज़ आती, तब आवाज़ आती छप की, छप छप छप। ओके। अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता, अपनी कहानी सुनाइए। अब ये आपको करना है, यदि बोरे में छेद नहीं होता तो क्या हो सकता था, सोचो सोचो सोचो। आप सोच के अपने दोस्तों को सुनाना। ओके। आवाज़ें तरह तरह की, हमें आसपास कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे घंटी बजने पर टन 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 टन, बादल गरजने पर धड़ 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 धड़, पानी टपकने पर टप टप टप। बताइए इन वस्तुओं की आवाज़ें कैसी होंगी। किसकी आवाज़ें, पानी में चलना छप 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 छप, सूखे पत्तों पर चलना
ऐसे होता है ना सिकुड़न सी आवाज़, आपको इसे स्वयं से करके चेक करना है। ओके, गुब्बारा फूटना, और बर्तनों का गिरना कैसे? बारिश की बूंदों का गिरना, माँ का पुकारना, छोटू, कोलू, बोलू, बेटू। सही उत्तर चुनकर लिखिए। बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था? पीपल, बेर। बताओ, अभी आपने कहानी सुनी है, बंदर पीपल के पेड़ पर बैठा था। भालू कहाँ जा रहा था? नानी के घर। भालू ने बोरे में क्या रखा था? आलू। नीचे दिए गए चित्रों को वाक्यों के साथ जोड़िए। भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिया था। और अब चित्र है ना, रख लिया था और वह रास्ते और वह चला जा रहा था। उसके बोरे में छेद था। बालू, उसकी पैरों की आवाज़ आ रही थी, धप धप धप, और आलू गिर रहे थे, टप टप टप। पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था और उसने, अब आगे चित्र देख के बताओ क्या किया। उसने देखा कि भालू चला जा रहा है। उसने पूछा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? भालू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे जवाब में क्या मिला? धप टप धप टप। रास्ते में आलू पड़े हुए थे। बंदर ने देखा कि रास्ते में आलू पड़े हुए थे, तो बंदर ने सोचा, मैं पता लगा ही लूँगा, जैसे आप लोग कर लेते हो ना। देखो यहाँ पे क्या है, ये है भालू, ये है बोरा, ये है आलू, ये है रास्ता जिस रास्ते से वो नानी के घर जा रहा था, और फिर से ये है भालू, ये है रास्ता, ये है बोरा, ये है बोरे में छेद, और यहाँ पे आलू गिर रहा था, और ये पीछे पीछे पीपल के पेड़ पे बैठा हुआ, पीछे पेड़ है ना, वहाँ बैठा हुआ बंदर पूछता है। अरे देखो, ये है पीपल का पेड़, ये बंदर, भालू, ये बोरा, बोरे में छेद, ये छेद है यहाँ पे, आलू गिर रहा है, भालू चला जा रहा है और रास्ते पे जा रहा है। बस ये शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगाइए और पढ़िए और लिखिए। आपको क्या करना है? बसे शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए। बताओ बसे क्या स्टार्ट हो रहा है? बसे बस्ता, और बसे शुरू होने वाला शब्द क्या है? बस्ता। बाकी क्या है? जलेबी। ये इसमें ब आ रहा है ना, लास्ट में आ रहा है, क्या है मेरे साथ बोलो? जलेबी। इसमें क्या है? डमरू, तारा, और ये बस्ता। नीचे दिए गए चित्रों के नाम सुनिए। आपको क्या सुनना है? अब मैं बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, ठीक है? और मैं कैसे बोल रहा हूँ, आपको मेरे साथ बोलना है। ये क्या है? उल्लू। क्या? उल्लू। ऊ लिखा है, आधा ल, पूरा ल, और बड़ाई की मां बड़ा ऊ की मात्रा, उल्लू। कुर्ता, कुर्ता। सुराही, ऊन। फूल, सूरज। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। ये क्या है?
भालू, ये क्या है सड़क, ये क्या है टमाटर, ये क्या है सूरज। नाम लिखना है आपको भी, भालू, सड़क, टमाटर, सूरज। भालू शब्द में भा और लू अक्षर जुड़े हुए हैं। यदि भा की जगह का, ला, ता, बा, सा जोड़े तो क्या बनेगा, लिखिए और पढ़िए। देखो भा की जगह हमने क्या कर दिया, लू तो वही रखेंगे, भा की जगह बड़ा का कर दिया, कालू, ला की जगह लालू, लालू का नाम सुना है, लालू प्रसाद यादव, ओके लालू, ता से तालू, बा से बालू, सा से सालू, देखो इसमें जो हमें ये दिखा है छोटा उ को देखो, ये होता है आपका छोटा उ और ये होता है बड़ा उ, ओके। और इसकी मात्रा होती है ये, इसकी मात्रा होती है ये। अब बताओ उ में क्या है, ये छोटा उ लिखा है, और ल में क्या है, किसकी मात्रा लगी है बड़ा उ की, क में किसकी मात्रा लगी है छोटा उ की, स में किसकी लगी है बताओ छोटा उ की, ये क्या लिखा है बड़ा उ लिखा है ऊन, फ में किसकी मात्रा लगी है बड़ा उ की, स में किसकी मात्रा लगी है बड़ा उ की। आप सभी के ये चैप्टर जो कि इसी पाठ में दिए हुए गए हैं, आपकी कक्षा एक की किताब के हैं चैप्टर पाठ में, जैसे कक्षा चार चैप्टर नंबर चार यानी पाठ चार की कहानी है रानी भी, ये पाठ छः का है तीन साथी, और ये आपने पढ़ा होगा मुर्गा बोला कुकड़ुकू और गिलहरी की कहानी। इन सभी के वीडियो इसी चैनल पर हैं, प्लेलिस्ट सर्च कीजिएगा, क्या नाम से है हिंदी कक्षा एक, हिंदी संगिनी, संगिनी NCERT, इसी नाम से प्लेलिस्ट बना है, उस पर आप जाइएगा, आपको सभी चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियोस मिल जाएंगे और वहाँ पर आप देख लीजिएगा, ओके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, और पढ़ते रहो।